दशमी नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिनभर की सुर्खियों पर। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का उद्घोष करते ढोल ताशे और संदल की थाप के बीच गणेश चतुर्थी के दिन गणराया को स्थापित करने के बाद फ्राइडे 9 सितंबर को वह दिन आ ही गया जब डिवोटीज गणपति बाप्पा मोरिया पुढ़चा वर्ष लवकरिया की विनती करते अपने प्रिय देवता को नम आंखों से विदा करने लगे। पूरे शहर में जिधर देखो उधर ट्रक, लारी और छोटी गाड़ियों में गणपति विसर्जन के लिए लोग जाते नजर आए। पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ भक्तों ने अबीर गुलाल लगाकर बैंड बाजे के साथ बाप्पा को विदा किया। एनएमसी ने छोटी मूर्तियों के लिए विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल टैंक का इंतजाम किया था तो पुलिस डिपार्टमेंट ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की थी। वही जागरूक एनवायरमेंटलिस्ट सिटीजन्स ने मूर्ति से उतारे गए फूल मालाओं को कलेक्ट कर उन्हें सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने में मदद की ताकि पर्यावरण का नुकसान न हो और नदी तालाबों में गंदगी न फैले। कोरोना की दहशत के 2 वर्षों के बाद इस बार गणपति का उत्सव और त्योहार भक्तों ने जमकर मनाया। एक और जहां आम लोग गणेश उत्सव की खुशियों में झूम रहे थे तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपनी तिजोरी भरने का जरिया भी बनाया। इस उत्सव के दौरान गली मोहल्लों में मंडल कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, खाना पीना साथ करते तो कई लोग अपने नाते रिश्तेदारों को अपने घर पर खाना खाने बुलाते। पाटोड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में मानव शक्ति लेआउट खरबी के स्नेह अशोक चांदेकर को तांडापेट अपने अंकल के घर जाकर गणेश पूजा का खाना खाना महंगा पड़ गया। 8 सितंबर की रात 9 बजे वे अपनी फैमिली के साथ तांडापेट भोजन करने गए और रात में वहीं रुक गए। सुबह 6 बजे वापस अपने घर खरबी लौटे तो पूजा और स्वागत सत्कार का मजा ही बिगड़ गया। चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर बेडरूम में लोहे की अलमारी से करीब 1,28,000 रुपए मूल्य के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अब पुलिस लगी है चोरों के इस मामले को सुलझाने में। इसी तरह का एक अनप्लेजेंट समाचार देते हुए, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन सच्चाई यही है कि गिट्टी खदान थाना क्षेत्र के महात्मा पुली बाजार गणेशपेट की 38 वर्ष की एक महिला ने एफआईआर लिखवाया और शिकायत की कि रियाज ताज मोहम्मद शेख नाम का एक व्यक्ति शादी का लालच देकर उसे लगातार फिजिकली एक्सप्लॉइट करता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है। उस लेडी ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि रियाज शेख 2022 फरवरी से अब तक उसे परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, वह उसके साथ जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स भी करता रहा। शादी के बाद करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, इसलिए मजबूरी में उसे पुलिस की शरण में आना पड़ा। जरीपटका पुलिस स्टेशन एरिया में विश्वास नगर के विकास हिरानी ने पुलिस से शिकायत की है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वे अपने परिवार के साथ नागपुर से बाहर गए थे और 7 सितंबर को जब वापस लौटे तो चोरों ने 1,12,000 का सामान उनके घर से चुरा लिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें इंदिरा नगर के निखिलेश मिश्रा और अरुण आवले तथा भीमसेना झुबड़पट्टी के आकाश पर शक है कि उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडिले, इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है एसपी सिंह ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ, तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट, न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।